ये देखो अपना मस्त वाला मॉन्स्टर बाइक अकेला खड़ा हुआ है, मतलब रोड का राजा इसको बोलते हैं, बोले तो इसको बोलेगा ये रोड का राजा। तो ये भी मस्त वाला भी खड़ा हुआ है। और अभी अपन ये देखो गाइस, ये बोर्ड भी है, फोर लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर, कृपया धीरे चले, कार प्रगति पर है। सो गाइस बख्तियारपुर रजौली का फोर। तो हॉलीवुड फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो गाइज अभी बीच दोपहर हो रही है, लाइक अभी का टाइम हो रहा है टोटल 1 बज रहा है। और फिर हम लोग 1 बजे निकले बाहर, धूप भी काफ़ी हार्ड वाला है, बट उतना भी हार्ड नहीं है, सही है यार, हवा हवा चल रहा है। तो अभी अपन लोग निकले गाइज वीडियो बनाने के लिए, लाइक आज अपन लोग रिवील करने वाले हैं गाइज बख्तियारपुर टू रजौली जो ब्रिज बन रही है, बहुत बहुत चौड़ा वाला रोड बन रहा है गाइज। टोटल बोले तो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के आसपास का लंबा हाईवे बन रहा है, तो आज उसी को अपन लोग दिखाने वाले। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। और जो भी हमारे चैनल पर नए बंदे आए, प्लीज़ यार चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना, दबा के शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत करना। तो चलो गाइज अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं हाईवे पर और फिर आप लोग को दिखाते हैं गाइज। तो ये मेरा परछाई है, मैं चल रहा हूँ, बस ऐसे ही चला जा रहा हूँ। और फिर सामने की साइड वो देखो, वो हमारा बाइक है, तो अभी उस पर बैठेंगे और फिर निकलेंगे गाइस डायरेक्ट से जल्दी से। अब पहुंच गया बाइक के पास। ये देखो यहाँ पे ढलाई रोड हो रहा था, इसी कारण से यहाँ पे स्टॉप कर दिया। और फिर इधर आगे एक साइड ढलाई हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी दिनों से ना मतलब इधर से पास होने का नहीं दे रहा था गाइस, कोई भी बाइक हो या फिर साइकिल हो या फिर कोई भी कुछ भी हो, पास होने नहीं दे रहा था, बट अभी फाइनली कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट है। ये देखो पूरा ढलाई हो चुका है, ढलाई से ज़्यादा यहाँ पर ब्रेकर ही है गाइस, ये देख लो, सही है। फिर भी यार मतलब ना होने से अच्छा कुछ तो है, सही ढलाई है भाई। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और फिर ये अपना नेशनल हाईवे गाइस, जो कि काफ़ी चौड़ा वाला हाईवे होने वाला। तो बता दूंगा ये बख्तियारपुर से पूरा रजौली तक जाने वाला ये हाईवे है। तो अभी अपन लोग इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ का व्यू गाइस पहले। तो गाइस ये देखो, ये अपना हाईवे है, लाइक ये हाईवे का एक छोटा मोटा पुल है गाइस। तो ये बख्तियारपुर से रजौली तक का टोटल बोले तो टोटल डिस्टेंस बोला जाए ना गाइस, तो डिस्टेंस काफ़ी हेवी वाला, लाइक 107 किलोमीटर अप्रॉक्स बोल रहे हैं। और फिर ये 2022 में स्टार्ट हुई थी गाइस और 2026 तक ये कंप्लीट करने को टाइम मिला है। ये देख रहे हो कितना ही तगड़ा वाला, ये नीचे के साइड लगता है और फिर जो ऊपर ब्रिज बनता है ना उसके नीचे में ये लगता है और फिर बीच में मिट्टी भराता है गाइस। तो ये पुल बनाने वाला ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट सा चीज़ है गाइस। सो गाइज ये ब्रिज है, काफ़ी हेवी वाला है गाइज, लाइक ये टोटल रोड का डिस्टेंस तो बता दिए, टोटल बख्तियारपुर से रजौली तक का मतलब इसका टोटल डिस्टेंस 107 किलोमीटर है। और फिर बोला जाए ना तो ये 2022 से स्टार्ट हुआ था गाइज, क्योंकि 2019-20 या फिर 21 में इसका टेंडर ही पास हो रही थी गाइज, बहुत सारी कंपनियां उसके बाद लास्टली पास हुई और फिर 2022 में स्टार्ट हुआ। तो अभी 1 साल हुआ और टोटल 2024-26 तक इसको कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है, मतलब टोटल 4 साल का टाइमिंग है 107 किलोमीटर बनाना, वो भी चौड़ाई ना बोले तो काफ़ी हेवी वाला चौड़ाई है गाइज। और फिर ये पुल देख रहे हो, ये जो भी पुल बनेगा ना, नीचे एक साइड जो रोड होता है उसका तो नहीं पता, बट ये जो पुल है ना इसका गाइज चौड़ाई टोटल 30 मीटर का होगा, 30 मीटर का चौड़ाई। और फिर पुल का लंबाई गाइज टोटल 4.45 अप्रॉक्स, मतलब बोल सकते हो 5 किलोमीटर का टोटल पुल का लंबाई होगा गाइज, ये जो पुल देख रहे हो ना पीछे जो ऊपर चढ़ता है, ये वाली पुल का लंबाई होगा टोटल 4.45, मतलब 5 किलोमीटर अप्रॉक्स बोल सकते हो। तो लंबाई काफ़ी है, चौड़ाई भी काफ़ी है और फिर नीचे का रोड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी बन चुका है, मतलब काफ़ी बोल सकते हो ना, तो 30% तो अराउंड हो चुका है गाइज, कंप्लीट हो चुका है। और अभी काफ़ी कुछ कंप्लीट होना, उसके बाद बीच बीच में फूल पत्तियाँ पेड़ पौधे होते हैं ना वो लगेंगे रोड में, और फिर आगे और भी बहुत सारा कुछ छूटा होगा। और पिलर की बात करूँ ना, पिलर इतना पड़ा है ना सोच नहीं सकते हो गाइज। तो अभी मैं ना आपको आगे जाके दिखाता हूँ गाइज, रोड का कुछ दिखाते गाइज आपको अच्छा से। भाई यहाँ से टोटल ना ये यहाँ से स्टार्ट करो,
और फिर टोटल इस तरफ जाओगे ना तो टोटल 30 मीटर का ये चौड़ाई है। इसमें दो लेन जाएगी गाइस, एक इस तरफ से इधर जाने वाला और इधर से उस साइड जाने वाला गाइस। तो पासिंग और फिर दोनों साइड का ये रहेगा ये पुल, और फिर उधर की साइड देखो रोड गाइस, ये रोड का दोनों का बीच में जो ट्रक दिख रहा है ना वो बीच में फूल पत्तियां होगी गाइस। ये देखो ये रोड है एक साइड का, ये हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं ना इस तरफ जाने वाला है और फिर उधर से क्रॉसिंग वाला, और फिर ये बीच वाला दिख रहा है पैनल। इस पैनल में गाइस प्लांट्स ये सब होगी, जो भी कुछ होता है ना फूल पत्तियां ये सब सारा कुछ डाली जाएगी, और फिर ये काफी हेवी वाला चौड़ा हो जाएगा। और लंबाई की बात ही मत करो यार, ये तो 107 किलोमीटर मतलब समझ ही सकते हो कितना लंबा होगा। प्लस ये गाइस ये NH 31 मतलब बोल सकते हैं, हाँ 31 ही बोल सकते हैं इसको। इसके बाद इसका ये तो फेज वन है ना, फेज टू बनने वाला है दूसरे साइड से, जो कि हर नॉर्थ के तरफ से फेज टू बनेगा इसका। तो उसका भी फुल डिटेल में वीडियो काफी जल्दी लाए गाइस, तो अभी थोड़ा सा आपको इसका व्यू दिखाते हैं गाइस। ये देखो 2-3 किलोमीटर के बाद एक और पुल गाइस, ये बीच से ना पहले वाला रोड था जिससे कि दोनों तरफ बन रही थी ना, तो इस तरफ से अपन लोग जाते थे, बट अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जाने वाला और फिर उधर से वापस जाने वाला रोड है गाइस। तो ये भी हर एक 2 या 3 किलोमीटर पे ना एक पुल आपको मिल जाएगी, बट ये तो छोटा मोटा पुल है क्योंकि बाजू में देखो ना तो काफी बड़ा सा नदी है, इसी कारण से ये पुल दिया गया है क्योंकि पानी क्रॉस करे। बट अप्रोक्स 10 किलोमीटर के आसपास में ना एक पुल अपने को जरूर से मिलेगी, क्योंकि कोई भी मतलब एक पुल जरूरी होता है गाइस, क्योंकि कहीं भी डाइवर्जन होती है ना तो वहाँ पे पुल का होना काफी जरूरी होता है। तो अपना बाइक में हवा नहीं है तो पेट्रोल पंप पे जा रहा है, देखते इधर हवा मिल गई तो सही है, वरना फिर अपन लोग जाएंगे कहीं और भी हवा देखने के लिए। बट हाँ ये तो हवा वाला है, ये देखो ये हवा वाला है, अभी देखते हैं यहाँ पे हवा होता है फिर नहीं होता। तो यहाँ पे तो हवा नहीं मिली, ये पेट्रोल पंप पे हवा नहीं मिली गाइस अपने को, तो अभी अपन लोग वापस जाते हैं इधर से ले लेना, शायद जगह मिले ना वहीं से ले लेना, रुक जाना पासिंग देके। तो यहाँ पे तो हवा नहीं मिली, अभी अपन लोग आगे जाके देखते हैं गाइस कहीं हवा मिल जाएगी ना तो सही है, क्योंकि बाइक में ना थोड़ा भी हवा नहीं है पीछे वाला टायर में, तो हवा लेना काफी जरूरी है। तो जैसे जैसे अपना हाईवे कंप्लीट हो रहा ना वैसे वैसे कुछ ना कुछ बनता ही जा रहा है, लाइक ये वाली भी काफी हैवी वाला है, और फिर ऐसे ही ना कुछ और भी मॉल भी खुल जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना बड़ी बड़ी शहरों में जो हाईवे होती है ना वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट ये सब होते हैं ना, वो भी ओपन होगी गाइस साइड साइड में, क्योंकि जगह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह है गाइस, तो आने वाले टाइम में ना काफ़ी कुछ बन सकता है यहाँ भी। तो देखते हैं, अभी तो देखना ही है गाइस बनता है फिर नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ देख ही सकते हैं ना, अभी फिलहाल तो रोड ही बन रहा है, तो आगे कब बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो पता नहीं हमें, बट हाँ बनने वाला है ये तो सुने हैं गाइस हम लोग भी। तो ये अपना रोड चालू है और फिर भाई ये तो देखता ही जा रहा था बंदा क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा लोग ब्लॉग बना रहा है ये, इन लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होती, फोन हाथ में लिया हुआ रहता है ना तो कुछ लोगों को पता नहीं होती है। और फिर ये देखो ये भी होटल है, पहले इसमें ना ओम होंडा सर्विसिंग सेंटर था गाइस, हीरो का था, अब ये क्या हो गया होटल रिवर व्यू। अच्छा चलो कोई ना, विकसित तो हो रहा है ना, यही तो चाहिए अपने को। सो फाइनली गाइस अपना बाइक पे हवा डल चुका है, पीछे एक पेट्रोल पंप पे हवा मिल गया तो सही है। ये देखो गाइस ये बोर्ड भी है, 4 लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर, कृपया धीरे चले कार प्रगति पर है। सो गाइज बख्तियारपुर रजौली का 4 लेनिंग यही कुछ है गाइज, और फिर ये तो अभी उतना कुछ खास नहीं है, बस मेन व्यू अभी बाकी है गाइज, मेन जगह आपको बाकी है। तो फर्स्ट आप लोग गाइज कमेंट करके बताना कि आप लोग को और भी इसका अच्छा वाला वीडियो चाहिए फिर नहीं चाहिए, फेज वन का काफ़ी मस्त मस्ता वीडियो है अभी, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मान लो ना एक छोटा सा पार्ट है गाइज, अभी मेन पार्ट ना बाकी है, लाइक अभी हरनौत जानी है, फिर उधर नालंदा तरफ जानी है ना अपने को, चोरा वैसे ये सब तरफ, उधर का भी वो अभी आप लोगों को दिखाना बाकी है क्योंकि मेन वही है। तो ये अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइज इस वीडियो में, सो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक अच्छा सा वीडियो आप लोग जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे गाइज। तो बस यही कुछ है, सो आज अपन लोग इतना ही रख रहे हैं गाइज, क्योंकि अपन लोग पूरा फुल कंप्लीट वीडियो आज नहीं बना पाए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और फुल वीडियो आप लोगों को चाहिए गाइज तो प्लीज़ कमेंट में बताना गाइज, आप लोगों को फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये तो एक छोटा सा गाइज मतलब बोलते ना
100 में से अगर कितना परसेंट कंप्लीट किए ना कवर अप, तो अब हम लोग सिर्फ 1% कवर अप किए, फिर 99% बाकी है, तो सोच सकते हो इसका 99% कितना होगा। तो बस इसीलिए आप लोग को बस ये छोटा सा झलक होती है ना गाइज, वो आप लोग को दिखाएं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप लोगों को पूरे अच्छे से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। और फिर गाइस धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अपने को, आँख भी थोड़ा सा जलन सा हो रहा है, तो इसी कारण से गाइस। तो अभी अपन लोग वीडियो को करते हैं एंड गाइस, सो बाय बाय गाइस।